BSPCL सिर्फ शोएब मलिक ही नहीं, इन क्रिकेटर्स से भी है सानिया का रिश्ता। भारतीय टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा के लिए आज का दिन बेहद खास है। 15 नवंबर 1986 को मुंबई में जन्मी सानिया मिर्जा आज अपना 33 जन्मदिन मना रही हैं। ओलंपिक और तमाम ग्रैंड स्लैम में देश का परचम लहराने वाली सानिया 18 साल से पेशेवर टेनिस खेल रही हैं। जानिए बर्थडे गर्ल सानिया के बारे में कुछ मजेदार बातें। सानिया ने पहली बार टेनिस रैकेट 6 साल की उम्र में थामा था। सानिया ने हैदराबाद के सेंट मैरी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है। 2008 में MGR एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि देकर सम्मानित किया। सानिया के पहले कोच उनके पिता इमरान मिर्जा ही उनके पहले कोच बने। बाद में उन्हें टेनिस स्टार रोजर एंडरसन ने कोचिंग दी। रोजर फेडरर और स्टेफी ग्राफ सानिया के पसंदीदा खिलाड़ी हैं। सानिया ने 2009 में अपने बचपन के दोस्त सोहराब मिर्जा से सगाई की, मगर दोनों अलग हो गए। इसके बाद सानिया ने 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की। शोएब उनकी जिंदगी में इकलौते क्रिकेटर नहीं है, गुलाम अहमद और आसिफ इकबाल जैसे क्रिकेटर सानिया के रिश्तेदार रहे हैं। सानिया के चचेरे भाई निसार अहमद स्वर्गीय गुलाम अहमद के बेटे हैं। गुलाम अहमद, जिन्होंने 1940 और 50 के दशक में 3 टेस्ट में भारत की कप्तानी करते हुए 22 टेस्ट मैच खेले, हालांकि बाद में वे पाकिस्तान की ओर से खेलने लगे। इस प्रकार सानिया गुलाम अहमद की बहन के बेटे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान आसिफ इकबाल से भी संबंधित हैं। 1961 में हैदराबाद से पाकिस्तान जा बसे आसिफ ने पाकिस्तान के लिए भारत में 6 बार कप्तानी भी की। उन्होंने 1964 से 1980 के बीच 58 टेस्ट खेलने के साथ साथ 2 विश्व कप भी खेले। 2005 में टाइम्स मैगजीन ने सानिया को एशिया के 50 हीरो में शामिल किया। इसके बाद 2010 में इकोनॉमिक टाइम्स ने उनको उन 33 महिलाओं की सूची में शामिल किया जिन्होंने देश का मान बढ़ाया। 2010 के गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक सानिया सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली भारतीय खिलाड़ी थीं। सानिया 2013 में संयुक्त राष्ट्र की गुडविल एम्बेसडर चुनी गई। सानिया इसके लिए चुने जाने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला थी। सानिया भारतीय इतिहास की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की कमाई की हो। 2014 में नए राज्य तेलंगाना ने सानिया को अपना एम्बेसडर चुना। सीनियर लेवल पर धमाल मचाने वाली सानिया ने जूनियर लेवल पर 10 सिंगल्स और 13 डबल्स खिताब अपने नाम किए। सानिया ने 24 WTA टाइटल और 4 ITF खिताब अपने नाम किए हैं। इसमें 1 WTA सिंगल्स का खिताब भी शामिल है। 2003 में सानिया ने विंबलडन चैंपियनशिप में लड़कियों की युगल प्रतियोगिता जीती। सानिया WTA खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। सानिया ने वर्ल्ड रैंकिंग्स में पहला स्थान भी हासिल किया है। सानिया ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में महिला एकल वर्ग में रजत और महिला युगल वर्ग में कांस्य पदक जीता था। सानिया ने 2002, 2006, 2010 और 2014 में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते थे।